हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। आज एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। जानकारी तो आपको काफ़ी छोटी लगेगी, लेकिन यह छोटी सी जानकारी आपकी हजारों से लाखों रुपए की बचत कर सकती है। तो मैं आज फटाफट आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट बात करूँगा कि आप वीडियो में जो फिटिंग देख पा रहे हैं, ये पानी की फिटिंग है और इस पे जो हम है एक मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे इस दीवार से जो है ये 28 से 29 इंच के बीच में जो है ये पाइप है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पानी की जो लाइन है ये 1 इंच की लाइन है, पहले तो मैं बता दूं आपको। और ये दीवार के अंदर फिटिंग होती है अमूमन सभी की घरों पर, फ्लैट पर, कोठियों पर, बंगलों पर, जिसका भी है वो लगभग जो है 85 से 90% जो है इसी तरह फिटिंग होती है। और इसका फ़ायदा कि जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि इसमें जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छी जानकारी है वीडियो के अंदर, और आपको जानकारी बेशक थोड़ा अजीब सा लगे या छोटी सी लगे, लेकिन यह जानकारी आपकी हजारों से लाखों रुपए आराम से बचा सकती है। तो आप सुन पा रहे होंगे जैसे कि ये मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ हर जगह से, इसका जो है वीडियो एक हमने जो बनाया है, एक शूट वीडियो किया है जिसका हमने, कि जहाँ भी हमारा वाटर का जो पाइप है या बिजली का जो पाइप है, बिजली वाला पाइप तो जो है चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो पानी की जो लाइन है हमारी, अगर वो कहीं से टूट जाए, अगर उसमें कहीं से छेद हो जाए, तो हमें बड़ा ही नुकसान हो जाता है। जब हमारा बिल्कुल जो है एक सपनों का घर, जो महल जो हमारा बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में हम कोई कहां पर भी कोई छेद करते हैं या कोई किसी चीज़ को उसको लगाने के लिए छेद करते हैं, या वुडन अलमारी है हमारी जैसे, या किसी भी प्रकार का हम दीवार में छेद करते हैं, तो वो हमें पता नहीं लगता है प्लास्टर होने के बाद में, टाइल लगने के बाद में। तो ये बार बार में आप देख रहे होंगे, ये जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं कि फर्श से जो है हमारा 18 इंच पे लाइन डली हुई है जो पानी की है 1 इंच लाइन, तो इस तरह से आपको पूरा अपना बिल्डिंग का एक छोटे छोटे पार्ट में, 2 से 3 पार्ट में आपको वीडियो बना लेना है, एक पूरा वीडियो बना लेना है, और उसके बाद में आपको जो है 3 से 4 पार्ट में आपको कम से कम वीडियो बना लेना है कि कौन सा पाइप कहाँ पर और कितनी दूरी पर, कौन सी दिशा में, हर एंगल को आपने शूट करना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हर एंगल की जो है शूटिंग हो रही है इसके अंदर, और इस वीडियो के आपको एक अच्छी जगह सेव कर लेना है कहीं पर भी। इसका बेनिफिट हमें जब होगा, जब कभी भी हम कहीं पर भी जहाँ पर टाइल लग चुकी है या जहाँ पर टाइल नहीं लगी है, जहाँ पर प्लास्टर हो चुका है, जहाँ पर हमारा एक महंगा लग्जरी पेंट हो चुका है, अगर हम वहाँ पर कुछ भी करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दीवार में छेद करते हैं या किसी भी फोटो फ्रेमिंग करते हैं या किसी भी तरह का आप समझ पा रहे होंगे फोटो फ्रेम करते हैं, तो हमें पता लग जाएगी ये पाइप कितनी दूरी पर है। तो इस तरह से जो हम एक नुकसान होने से बच सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बाथरूम की फिटिंग है और कैसे कैसे पाइप जो है यहाँ से अपना क्रॉसिंग इनकी हुई हुई है। तो हर एक एंगल का आपने बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक दीवार से एक मेज़रमेंट कर लेना है, किसी भी कोने को पकड़कर वहाँ से आपको उस पाइप का मेज़रमेंट निकाल लेना है वीडियो के अंदर। और ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़े ही लेवल पे आपकी बचत करेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो भी पाइप है, जो भी पानी की लाइन है, जहाँ से भी है, उसको आपको एक मेज़रमेंट करके एक वीडियो बना लेने हैं, और इस तरह से आप अपना जो है एक नुकसान होने से आप बच पाएंगे। और दूसरा दोस्तों, मेरे को काफ़ी टाइम हो गए यूट्यूब पर, और आप लोग जो है, मैं पहली बार वीडियो में बोल रहा हूँ इतना कि आप लोग जो है वीडियो जो देखते हैं, जो हमारी एक जितने भी आप वीडियो देखेंगे सभी में हमारी जो जानकारी है बहुत ही अच्छी है, और हमें तो यही लगता है कि बाकी पब्लिक को, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको क्या लगता है, माइनस पॉइंट क्या लगता है, तो कृपा करके ज़रूर कमेंट के अंदर आप बताया करिए, जिससे हमें जो हमारी कमियाँ हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, वो हमें पता लगती रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, आप लाइक नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, तो ये चीज़ें मैंने आज तक नहीं बोली थी। मेरा 2 साल की जर्नी हो चुकी है यूट्यूब चैनल की,
आज मैं पहली बार मेरे को बोलने का इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, और आपको नहीं लगती है तो जी आप बेशक डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमियां लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है तो इस तरह की जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने पूरा एक जो मेजरमेंट है, किसी भी पाइप को मैंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो बिजली का हो चाहे वो पानी का हो। तो इस तरह से आप जो है एक अपना छोटा छोटा पार्ट में वीडियो बनाकर, और एक पूरी वीडियो पूरे पार्ट में बनाकर इसको कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं, गूगल पे सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो की जो है जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई प्लस पॉइंट, जो भी आपको दिल में हो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में साथ बनाए रखने के लिए।